हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्लासेस। आई एम सीए सौरभ मेरा फ्रॉम एटीआई। तो आज किस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च की गई नई स्कीम QRMPS। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम लेके आई है, जिससे उनका जो रिटर्न्स फाइल करने का जो बर्डन है, जो प्रोसेस है, उसको जो है सिंप्लीफाई किया है, कम किया है। तो क्या है QRMPS स्कीम, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। कौन से असेसिस के लिए स्कीम है, किसके लिए स्कीम नहीं है, इस स्कीम का फायदा क्या है, पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करते हैं। QRMPS का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। मतलब क्या है, आपको रिटर्न जो है, रिटर्न कौन सी, यहां पे रिटर्न की बात हो रही है GSTR 3B। आपको जो रिटर्न है वो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, और पेमेंट जो है, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, वो आपको मंथली पेमेंट करनी है। तो क्या स्कीम है, QRMPS क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। हमें पता है कि सभी असेसिस को जो GSTR 3B है वो मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इस महीने में मैंने सेल परचेज की, अगले महीने मुझे इस महीने की GSTR 3B फाइल करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं इस स्कीम को ऑप्ट करता हूं तो क्या होगा, मुझे रिटर्न जो है वो क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी, और जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो मुझे मंथली जमा करवाना होगा। इसका मतलब रिटर्न के लिए एक मुझे रिलीफ मिल गया, जो मैं मंथली रिटर्न फाइल करता था, साल में 12 GSTR 3B फाइल करता था, उसका मुझे रिलीफ ये मिल गया, मुझे साल में 4 बार GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी, और जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, जो पेमेंट ऑफ जीएसटी है, वो मुझे मंथली फाइल, मंथली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। किसके लिए स्कीम है, रजिस्टर्ड डीलर हैविंग टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, इज एलिजिबल टू अप्लाई दिस स्कीम। 5 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, या जो साल चल रहा है, अगर नया बिजनेस है उसमें टर्नओवर अभी मेरा 5 करोड़ से कम है, और अगर पुराना बिजनेस है तो पिछले साल में मेरा टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम है, तो मैं इस QRMPS स्कीम में अप्लाई कर सकता हूं। इसका मतलब जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसके लिए स्कीम अवेलेबल नहीं है। दिस स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021, और ये स्कीम कब से लागू होगी, 1 जनवरी 2021 से ये वाली स्कीम लागू होगी। लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो रिटर्न्स हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं GST 3B की, और पेमेंट जो है वो मंथली जमा करवानी पड़ेगी। दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर एवरी डिफरेंट GSTN अंडर द सेम पैन नंबर। क्या मतलब है, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई पर्सन है, उसने अपने पैन नंबर पे अलग अलग बिजनेस खोले हुए हैं, अलग अलग बिजनेस खोले हुए हैं, और अलग अलग बिजनेस के अलग अलग जीएसटी नंबर लिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने 5 तरह के बिजनेस खोले हुए हैं और मैंने 5 GST नंबर लिए हुए हैं, तो मैं अलग अलग स्कीम्स के लिए डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे किसका ये QRMPS स्कीम लेनी है और किसकी मुझे QRMPS स्कीम नहीं लेनी है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन है इस स्कीम को ऑप्ट करने की, वो अलग अलग जीएसटी नंबर पे अवेलेबल रहेगी। अगर मेरा दिल करेगा कि 5 में से 3 जो मेरे बिजनेसेस हैं उसके लिए मैं स्कीम लेना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए स्कीम ले सकता हूं, और 2 बिजनेस के लिए, जिसके लिए मैं स्कीम नहीं लेना चाहता, तो मैं उसमें ये स्कीम ऑप्ट नहीं करूंगा। जैसे चल रहा है कि मुझे क्वार्टरली रिटर्न नहीं फाइल करनी है, मंथली रिटर्न फाइल करनी है, मंथली टैक्स जमा करवाना, तो मैं वैसे भी चला सकता हूं। उसके बाद क्या है, अंडर दिस स्कीम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड मंथली इन फॉर्म GST PMT 06। तो जो हमने बात की है, रिटर्न क्वार्टरली है और पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, मंथली है। मुझे हर महीने का जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे करना है। अगर मैं इस स्कीम में ऑप्ट करता हूं तो इस फॉर्म में GST PMT 06, जो चलान होता है हमारा जीएसटी का, इस फॉर्म में मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करनी है। कब पे करनी है, अगले महीने की 25 तारीख तक। जैसे अगर अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर का जो जीएसटी है 25 नवंबर तक हमारा जमा होगा। अगर नवंबर मंथ है तो 25 दिसंबर तक हमारा जो है गवर्नमेंट के पास जीएसटी चला जाना चाहिए।
तो ये है हमारी क्यू आर एमपीएस स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है छोटे बिजनेसमैन को कि अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो, अगर आपसे रिटर्न्स की कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं हो रही, अगर आपका टर्नओवर 5 लाख 5 करोड़ से कम है, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप इस स्कीम में रजिस्टर हो सकते हो। अपने रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करो और पेमेंट ऑफ टैक्स को मंथली करो। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।